सारे लोगों के साथ इस तरह की प्रक्रिया को करना बिल्कुल पागलपन है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसा प्रयास है जिससे हम उस ऊर्जा को, स्रोत को संगठित करना चाह रहे हैं जिसे आमतौर पर दिव्य कहा जाता है, ताकि ये अपने आप लोगों का ध्यान आकर्षित करे और न केवल ऐसी संभावना बन जाए जिसे केवल अनुभव किया जा सके, बल्कि जिससे जीवन को सशक्त और उन्नत बनाया जा सके। अगर वो इसे मानसिक स्तर पर ना भी समझ सके, पर कुछ तो होगा ही। योगेश्वर हैं, वो क्या है जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा से करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा है जो आपसे बड़ा है, जो आपके अस्तित्व का आधार है, जो इसको चलाता रहता है। तो ये समझदारी किसी न किसी तरह आपके अंदर समाई हुई है। तो अब ये प्राण प्रतिष्ठा उस ऊर्जा को और स्थायी रूप से संगठित करने का एक प्रयास है। तो अभी हमारे पास यहां मरकरी या पारा है, जो कि पानी से लगभग 14 गुना भारी और गाढ़ा होता है। इतने सारे लोगों के साथ इस तरह की प्रक्रिया को करना बिल्कुल पागलपन है, पर मुझे आप पर विश्वास है। आप यहां एक दर्शक की तरह नहीं हैं, मैं चाहता हूं आप सब प्रक्रिया का हिस्सा बने। आप असल में मंत्र जाप करते हुए ध्यान से अपने सामने एक रूप बना रहे हैं। ये इसलिए करना है क्योंकि अगर आप अपने हाथ को इस तरह रखें तो आप अपने आग्नेय चक्र से लगभग 17 से 20 इक्कीस इंच दूर हैं। यही वो जगह है जहां आपका आकाश तत्व होता है। तो आप आकाश में एक रूप बना रहे हैं। धीरे धीरे ये साकार हो उठेगा। आपको इस रूप को बनाए रखना है। तो इस खास जगह को चुनना सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के स्तर पर हुआ है। ताकि ये स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाए और ये अपने आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे और न केवल ऐसी संभावना बन जाए जिसे केवल अनुभव किया जा सके, बल्कि जिससे जीवन को सशक्त और उन्नत बनाया जा सके। योग का मतलब है मिलन, आप जानते हैं। योग का मतलब परम सशक्तिकरण भी है। जब आप हर चीज के साथ एक हो जाते हैं तो ये एक जबरदस्त सशक्तिकरण है।
मुझे लगता है इस दिन ने मुझे सच में बदल दिया और भविष्य में शायद मैं बता पाऊंगा कि आज यहाँ क्या हुआ। ये एक रहस्य है जो बस विधाता जानता है। मैं शब्दों में सद्गुरु के लिए अपने अहोभाव को व्यक्त नहीं कर सकता। उनके समय में मैं जीवित हूँ और उसी हवा में सांस ले रहा हूँ।